वेलकम टू अधीरा केमिस्ट्री क्लासेस। हेलो फ्रेंड्स, अधीरा केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। जो लेसन चल रहा है वह लेसन है एटॉमिक स्ट्रक्चर। यह 11th का लेसन है, जो NCERT 1 की सेकंड यूनिट है। जो आज का हमारा वीडियो होगा वह वीडियो होगा स्पेक्ट्रम। तो हम जो है बोर मॉडल की व्याख्या करेंगे हाइड्रोजन के लिए। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को समझाने के लिए बोर मॉडल का उपयोग करेंगे। तो आज का जो हमारा वीडियो होगा वह होगा स्पेक्ट्रम, इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ एलिमेंट, या ज़्यादा फोकस होगा हमारा एटॉमिक स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन। स्पेक्ट्रा तो अलग ब्रांची है, इसके बारे में हमारा वीडियो आएगा। जो पूरा वीडियो चलेगा वह स्पेक्ट्रोस्कोपी का वीडियो रहेगा, उसमें अल्ट्रावायलेट, IR, रमन, NMR, ESR, मास, सबके बारे में बातचीत होगी। बहुत विशाल स्पेक्ट्रोस्कोपी है। आज जो हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर है उसमें जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम है, हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने के लिए बोर मॉडल का उपयोग किया जाता है। तो हम बताएंगे आज कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या है और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का क्या नेचर है। तो एक छोटा सा वीडियो है, तो पहले ये जानना होगा कि यह स्पेक्ट्रा क्या होता है, स्पेक्ट्रम क्या होता है। स्पेक्ट्रम तो एक वचन है, स्पेक्ट्रा क्या है, बहुवचन है। स्पेक्ट्रम का मतलब होता है, स्पेक्ट्रम मतलब होता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी मैटर है, उस मैटर के ऊपर कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आके गिरती है, तो मैटर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बीच में जो इंटरेक्शन होता है, जो बातचीत होती है, जो संभावना होती है, उस संभावना को स्पेक्ट्रोस्कोप से देखते हैं। तो स्पेक्ट्रोस्कोप से देखने पर जो हमको लाइन, सिग्नल, पीक, रंग या जो भी ऑब्जर्वेशन, एब्जॉर्प्शन, इमिशन होता है उसको हम स्पेक्ट्रा कहते हैं। और उस संभावना, उस पॉसिबिलिटी को देख करके उस मैटर के बारे में जब हम जानकारी इकट्ठा करते हैं, इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं, उस मैटर के स्ट्रक्चर के बारे में, उसके नेचर के बारे में जानने लगते हैं, तो इसको पढ़ने की जो ब्रांच होती है, जो एनालिटिकल टूल होता है, उसका नाम क्या जाता है, स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी एक ऐसी ब्रांच है जिस ब्रांच के अंदर हम स्पेक्ट्रा की मदद से हम किसी भी मैटर, ऑब्जेक्ट, मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ते हैं। यह ब्रांच आज की आधुनिक केमिस्ट्री की एडवांस ब्रांच मान, जैसे एक्सरे है, अल्ट्रासोनोग्राफी है, ये सब क्या है, सब के सब एक प्रकार का स्पेक्ट्रा की मैकेनिज्म है। तो हम आते हैं, हम बताएंगे एटॉमिक स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन। एटॉमिक, तो आज का वीडियो जो हमारा एटॉमिक स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन, तो आज के वीडियो में बताएंगे कि हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रा में कितनी लाइन होती हैं, लाइमन, बामन, पास्टन, ब्रिकेट, पीफंड होती है। उस लाइन का ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड और एक्साइटेड से ग्राउंड स्टेट में कैसे उनका एनर्जी का लेवल होता है, आज ये वीडियो के बारे में बातचीत होगी। बाद में हम जब बोर रेडियस के बारे में बातचीत कर लेंगे, किसी भी ऑर्बिट की एनर्जी के बारे में बातचीत कर लेंगे इलेक्ट्रॉनों की, तब जाके बात करेंगे हम रिडबर्ग कांस्टेंट या और रिडबर्ग फार्मूले पर। तो आज का जो हमारा वीडियो का फोकस होगा वह होगा एटॉमिक स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन, एटॉमिक स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक स्पेक्ट्रा, आप जानते हैं कि कोई भी सब्सटेंस अगर गैसेस फॉर्म में रहता है तो अगर उनको एनर्जी दी जाती है, उनको टेम्परेचर दिया जाता है, तो वे लाइट का इमिशन करते हैं। जैसे मान लिया अगर आपके पास सोडियम के साल्ट हैं, सोडियम को के साल्ट को जब बुनसन बर्नर से हीट करते हैं तो रंग प्राप्त होता है, रंगीन लाइट प्राप्त होती है। ऐसे ही अगर कोई भी ट्यूब है, उस ट्यूब में आप क्या करें कि कम प्रेशर पर कोई गैस भर लेते हैं और उसमें अगर हम हाई इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स अप्लाई करते हैं, लाइट देते हैं, तब गैस जो होती है आयनाइज होती है, आयनाइज होने बाद एक रंगीन ज्वाला पैदा करती है। तो जो रंगीन ज्वाला पैदा करती है, अगर हम उसको स्पेक्ट्रोस्कोप से देखते हैं तो हमें रेडिएशन अलग अलग रंग में, कलर में ऑब्टेन होता है, इसी के नाम कहलाता है स्पेक्ट्रा कहलाता है। एक ऑब्टेन होगा उसके नाम कहलाता है स्पेक्ट्रम। अब मान लीजिए आपके पास तो कोई भी गैस है, उस गैस को अगर हम लो प्रेशर पर उसको आप एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो उसमें स्पेक्ट्रा मिलता है। ऐसा होता कैसे है, होता क्या है, जो एलिमेंट के एटम होते हैं जब एनर्जी को लेते हैं तो ले करके उसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं,
अपने लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में चले जाते हैं। अगर हायर एनर्जी में फिर से एब्जॉर्प्शन करने की क्षमता नहीं होती है तो वह अपनी एनर्जी को इमिट करते हैं, निकाल के फेंकते हैं। तो जो निकाल के फेंकते हैं वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के तौर पे हमें दिखता ऑब्जर्व होता है। तो जो चीज़ निकलती है, रे निकलती है, उसका नाम उसी को जब हम स्पेक्ट्रोस्कोप से पढ़ते हैं तो जो स्पेक्ट्रोस्कोप में जो ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्व होता है उसका नाम कहलाता है इमिशन स्पेक्ट्रा। अगर किसी भी एलिमेंट को हीट किया जाता है, टेम्परेचर दिया जाता है, तो उसके इलेक्ट्रॉन जो होते हैं अपने हायर से लोअर से हायर में जाते हैं। जब हायर से फिर नहीं आगे जा पाते हैं तो एक ही उनके पास ऑप्शन रहता है कि वो फिर से नीचे आते हैं तो एनर्जी निकाल के रेडिएशन के फॉर्म में फेंकते हैं। जो फेंकते हैं उसी को जब हम पढ़ते हैं तो उसको पढ़ के जो हमें संभावनाएँ सिग्नल स्ट्रक्चर फाइन लाइन पीक मिलती है उस पीक को देख के उसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम का अध्ययन किया था बोर ने, और उन्होंने हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम का अध्ययन करने के बाद ये जानकारी मिली कि हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में पांच लाइन मिलती है। पांचों लाइन का नाम है लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रेकट और पी फंड है। तो हम इन पांच लाइनों को एक एनर्जी लेवल से आपको हम समझा दे रहे हैं। तो कैसे होता है, यह एक दो तीन चार पाँच छ सात, ऐसे यहाँ पर हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की सारी लाइनों के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। यह आपका एनर्जी का लेवल है, एनर्जी लेवल। यह आपका है यन वन, यन टू, यन थ्री, यन फोर, यन फाइव, यन सिक्स, यन सेवन, ठीक है। अब कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर सेकंड में है, थर्ड में है, फोर्थ में है, फिफ्थ में है, सिक्स्थ में है, सेवन्थ में, किस में आएगा, वह फर्स्ट में आएगा, तो इमिट करेगा अपनी एनर्जी को, नीचे आएगा अगर इस एक्साइटेड स्टेट में है तो। दो तीन चार पाँच छः, इसका नाम होगा लाइमन सीरीज, इसका नाम होगा लाइमन सीरीज। अगर इलेक्ट्रॉन कोई सेकंड में है तो यह आएगा एक दो तीन चार पांच, इसका नाम होगा बामर सीरीज। अगर कोई थर्ड में है तो आएगा एक दो तीन चार, एक और इसको फैला दिया जाए, यह आएगा पाश्चन, पी ए एस सी एच एन, पाश्चन सीरीज आएगा, ठीक है। अगर कोई फोर्थ में है तो एक दो एक दो तीन, इसका नाम है ब्रैकेट बी आर ए सी के ई टी ब्रैकेट। अगर कोई पांचवे में है तो यह आएगा एक और दो, इसका नाम है पी फंड एफ यू एन डी, पी फंड सीरीज है। तो यह हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम की पांच लाइन मिलती हैं, लाइमन है, बामर है, पाश्चन है, ब्रैकेट है, पी फंड है। इसको देख यह पता चल रहा है कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन दूसरे तीसरे चौथे पांचवें छठवें सातवें में है तो यह फर्स्ट में आएगा,
उसका नाम होगा लाइमन, और इसमें जो लाइमन वाला होता है उसके लिए वेवलेंथ जो होती है बहुत ही शॉर्ट होती है, शॉर्ट वेवलेंथ होती है, ठीक है। अच्छा, अगर कोई थर्ड में है फोर्थ में है तो यह आएगा सेकेंड, इसका नाम बामर है। अगर कोई फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ में है तो वह आएगा थर्ड में, उसका नाम पाश्चन है। पांचवें छठे सातवें में है तो वह आएगा चौथे में, उसका नाम ब्रिकेट है। उसके बाद अगर पांचवें में है तो वह आएगा छठे सातवें, उसका नाम पीफन। पांच सीरीज हो गई तो एक का नाम रखा गया लाइमन सीरीज, जिसकी वेवलेंथ जो होती है बहुत शॉर्ट वेव लेंथ, यहां पर हम लिख दे रहे हैं शॉर्ट वेव लेंथ। दूसरा है बामर सीरीज, इंटरमीडिएट वेव लेंथ थोड़ी सी ज्यादा। तीसरा पाश्चन, यह होगा लॉन्ग वेव लेंथ। उसके बाद है ब्रैकेट सीरीज, यह है यह भी लॉन्ग वेव लेंथ। पांचवा है पीफंड सीरीज, यह भी क्या लॉन्ग वेव लेंथ। यह तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का पांच लाइन मिलती है, पांच लाइन की व्याख्या होती है। लाइमन जो है वह N1 से N2, N3, N4, 5, 6, 7। बामर N2 से N3, N4, N5। पाश्चन N4 से N5, N6। ब्रैकेट N5 से N4 से, ऐसे एक एक करके काम होता जा रहा है। यह आपका हो गया एटॉमिक स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन। अब इस एटॉमिक स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन की व्याख्या होती है बोर के मॉडल से। तो बोर के मॉडल से इसको व्याख्या करने के पहले हमको यह जानना होगा कि बोर का रेडियस क्या होता है और बोर के रेडियस में रहने वाले इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी क्या होती है। जब एनर्जी निकालेंगे तो एक बार निकालेंगे E1, फिर E2, फिर E3, E4, E5, E6, फिर इनके बीच में जो कंपेयर करेंगे E2 माइनस E1 और सारे एनर्जी क्वांटाइज होती है, उससे आपको निकलेगा रिडबर्ग फार्मूला और उसमें एक होगा रिडबर्ग कांस्टेंट। यह आपका छोटा सा वीडियो था हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए। यह स्पेक्ट्रम क्योंकि इमिशन स्पेक्ट्रम है। स्पेक्ट्रम बहुत सारी बातें होगी बाद में होगी, उसके लिए हम एक सीरीज शुरू करेंगे एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी की, और वह बातचीत होगी, वह BSc पार्टों में भी काम आएगा, अब BSc थर्ड ईयर में काम आएगा, MSc इंटरेस्ट काम आएगा, हर जगह उसका उपयोग किया जाएगा। तो आज का जो हमारा वीडियो था, वह छोटा सा वीडियो था, वह हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम के लाइमन बामर पाश्चन ब्रैकेट पी फंड पे था। इसको देखिए, अगर अभी तक आपने अधीरा केमिस्ट्री क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में आइए, अपने सवाल पूछिए, आपके हर सवाल का उत्तर दिया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।